एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज सबसे पहले तो मैं विश करना चाहूँगी मेरी सब्सक्राइबर निशा माही, उनका कल मैरिज एनिवर्सरी है। तो फिर मैं भूल जाती हूँ ना, उस दिन उनका था तो मुझे बाद में कमेंट मिला, तो फिर मैंने मतलब लेट ही विश किया था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने कहा आज विश कर दूँगी, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी। तो निशा माही शायद मेरे ध्यान में वो राजस्थान से हैं, और मुझे बताना निशा माही शायद मैं सही हूँ, आप राजस्थान से ही हो ना। तो उनका मैरिज एनिवर्सरी है कल, तो निशा माही हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। आप दोनों को, आप दोनों हमेशा खुश रहो, क्योंकि भाई शादी की सालगिरह तो दोनों से ही होती है। तो आप दोनों हमेशा खुश रहो, राधा रानी से मैं आप प्रार्थना करती हूँ, बाके बिहारी से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, आप दोनों का जो जोड़ा है ना हमेशा सलामत रहे, आप खुश रहिए, और जो भी ज़िंदगी में खुशी चाहते हो, जो भी चाहते हो, वो सब आपको मिले। तो यही मेरी दिल से आपके लिए दुआ है, दिल से आपके लिए विशेष निकल रही हैं। आप हमेशा खुश रहिए और अच्छी तरह से अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कीजिएगा कल। तो कल है इसीलिए मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि वीडियो कल ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ। आज जो वीडियो गया है वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। आपको बहुत लोगों को पता नहीं था कि रूल आया है अमेरिका में, तो हाँ मतलब मैंने वैसे नहीं बताया आप सबको। ये देखिए सिंदूर, मेरा पसीना आ रहा है, मुझे बह रहा है, तो मैंने ऐसे ही नहीं बताया आपको। मैंने पेपर में पढ़ के कल बताया, कल ही सुबह पढ़ा था पेपर में, वो देख के, वो पढ़ के, अच्छे से पढ़ के, क्योंकि मैं कोई बात ना ऐसे नहीं बोलती हूँ कि वैसे हवा में मारूँ, नहीं, कुछ पक्के प्रूफ के साथ। तो मैंने कल पेपर में देखा, फिर इन्होंने मुझसे कहा कि अच्छे से पढ़ना क्या है, तब जाके लोगों को बताना। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर अच्छे से पढ़ा है उसको, तभी फिर जाके आप लोगों को बताया था ये सच है। और आगे कानून चेंज होगा ये मुझे नहीं पता है, वैसे होना चाहिए, ये कानून बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अभी बनाऊँगी मैं पाव, क्योंकि आजकल कुकिंग चैनल पे जितने भी हैं आजकल पाव बहुत बना रहे हैं लोग घर पे, होममेड पाव बिना यीस्ट। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, और ये सच है बन जाते हैं अच्छे हैं नहीं, तो ये आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी कि हाँ ये सच में बनते हैं अच्छे या नहीं बनते, ठीक है ना। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, और आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी के लिए, दीदी को क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो मैंने कहा आज मैं आपको बता ही देती हूँ, और फिर कब तक यार मैं छुपाऊँगी ये चीज़ कब। तो चलिए पाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा, यानी ग्राम में नापे तो 200 ग्राम मैदा है ये, और मैंने पूरा प्रोसेस वही लिया है जो ये लोग बताते हैं उसी तरीके से। तो मैदे को मैंने छान लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें मिक्स करेंगे, यहाँ मैंने एक चम्मच चीनी ली है पिसी हुई, और इसमें 4-5 चम्मच के करीब है दही, और 2 चम्मच डालूंगी इसमें रिफाइंड ऑयल, और सॉरी मैं इसमें नमक आपको दिखाना भूल गई, मैंने आधी चम्मच नमक भी डाला था। 1 इनो का पाउच लिया है, इसको मिक्स कर लेंगे पहले सब सामान को, और फिर हम इसमें इनो डालेंगे। इनो मैंने आधा पाउच लिया है, आधा ही पाउच डाला है, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और मिक्स करने के बाद सब चीज़ों को फिर इसे पानी की सहायता से हमें गूंदना है। तो इसको इस तरीके से गूंदना है, बहुत सॉफ्ट गूंदना है, टाइट नहीं गूंदना है बिल्कुल भी, रोटी के आटे से भी हमें इसको ढीला हमें इसको लगाना है, सॉफ्ट लगाना है रोटी के आटे से भी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको लगाते जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना सॉफ्ट मैंने लगाया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसको देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से करूँगी, अच्छे से मिलाऊँगी आटे को, ये देखिए। तो इसको अभी मैं 10 मिनट के लिए कम से कम ढक कर के रख दूँगी। यहाँ 10 मिनट हो गए थे, तो आटा हमारा थोड़ा सा डबल, मतलब डबल तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा फूला है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको साफ़ कर लिया है गैस की स्लैब को, और यहाँ स्लैब पे थोड़ा सा लगाया मैं रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच के करीब। अब इसको मैं यहाँ पटक पटक के अच्छे से सॉफ्ट करूँगी इस आटे को, ये देखिए। इसी तरीके से हमें आटे को अपने को बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है, और ये इसमें कम से कम 5-7 मिनट लग गए थे मुझे करने में। यहाँ पे मैंने रखा है इडली स्टैंड, इसमें डाला है नमक जो मेरा पहला यूज़ किया हुआ नमक है, तो उसको मैं प्री हीट के लिए रख दूँगी। इसको इडली स्टैंड में बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसको हम पीस काट लेंगे पाव के लिए। तो यहाँ पे 7 बने थे, और मेरे इडली वाले में 5 मतलब आए थे, 2 मैंने रख दिए थे फिर। तो हमें इसकी लोई जो बनानी है ना वो इस तरीके से बनानी है, ये देखिए इस तरीके से।
नीचे की तरफ करके ऊपर का जो हिस्सा है ना वो एकदम चिकना होना चाहिए। इस तरीके से हमें बनाना है, हल्के हाथों से बनाना है। और यहाँ पे एडी स्टैंड ले लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल लगा लूँगी जिससे कि छोटाने में इनको आसानी रहेगी, चिपकेंगे नहीं। तो याद है कि मैंने इनको रख दिया है। मैं एक और आपको लोई करके दिखाती हूँ इसकी। इस तरीके से करिए, नीचे की साइड लेके जाइए ऐसे, और इस तरीके से करके ये, और ऊपर से चिकना कर लो बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब पांचों पाव को बना लिया है, और दो जो पाव बचे थे ना उनको मैंने आटे को उठा के रख दिया है। मैंने कहा पहले इनको बना के देखती हूँ, ठीक बनते हैं तो फिर मैं और बनाऊँगी। तो मेरे पास ब्रश नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे चम्मच की सहायता से दूध लगाया है जिससे कि इनमें शाइनिंग आ जाएगी, और इनको ढक के रख दिया है पकने के लिए। कम से कम 30-35 मिनट के लिए मैं इनको बनाऊँगी। और यहाँ पर तब तक मैंने कहा मैं अपने कपड़े सुखा लेती हूँ। और आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि आज थर्सडे है यानी गुरुवार है, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। मैंने आज बहुत सारे कपड़े धो दिए, यानी बेडशीट तो बिल्कुल धोनी ही नहीं चाहिए, बस डेली के कपड़ों की बात अलग है। बट मैंने आज डेली के तो धोए थे, बेडशीट वगैरह भी धो दी थी। तो मुझे बाद में बड़ा पछतावा हुआ, मैंने कहा मेरा इतना ध्यान नहीं। तो बच्चे स्कूल ही जाते ना तो दिन का तारीख का याद ही नहीं रहता कि कौन सा दिन है कौन सी तारीख है, भूल हो जाती है। और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा आज मुझसे गलती हो गई। अब मैंने थर्सडे को कपड़े वगैरह धुल दिए, नहीं तो थर्सडे को मैं कभी कपड़े वगैरह नहीं धुलती हूँ। कई काम ऐसे होते हैं जो मैं थर्सडे को नहीं करती हूँ, थर्सडे कपड़े नहीं धुलती हूँ और घी वगैरह ये सब काम नहीं करती। तो आज मैं आपसे जिस मामले में बात करने वाली हूँ वो मेरी दीदी की है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जब मैंने दीदी की ऊपर वीडियो बनाया था, ऊपर के आज उस दिन की उसकी तिथि थी, तो तब भी मेरे पास बहुत सारे मतलब आए थे कि क्या हुआ था दीदी को प्लीज़ बताना, क्या हुआ था दीदी को प्लीज़ बताना। तो मतलब कमेंट में नहीं बता पा रही थी, इतना कुछ हुआ था उसके साथ में, नहीं बता पा रही थी। मैंने कहा चलो, फिर मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें अभी फिर लोगों ने मतलब वीडियो नहीं बनाया था, मैंने वो बनाए थे गोलगप्पे की डाली थी ना, तो वो दीदी से सीखे थे मैंने, तो वो भी मैंने बताया था। उस पर भी लोगों ने बहुत सारे किए थे कि आप बताइएगा क्या हुआ था दीदी को। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था दीदी को। सबसे पहले तो वो बताती हूँ कि उसकी शादी कब हुई थी, क्या क्या हुआ था उसके साथ में। उसकी शादी हुई थी 1993 में, 1993 में उसकी शादी हुई थी दीदी की। और आप सोच रहे होंगे काफ़ी टाइम हो गया, तो दीदी की उम्र उस टाइम सिर्फ 18 साल की, यानी 18वीं में वो लगी ही थी 17 की होके, 18 साल की थी उसकी शादी हो गई। इसलिए गाँव में जल्दी कर देते हैं शादी लड़कियों की। फिर वैसे भी दीदी मेरी हाइट वगैरह पर्सनैलिटी में बहुत अच्छी थी, तो उसकी शादी जल्दी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी शादी दिसंबर में हुई थी, 7 दिसंबर की। उसके बाद फरवरी की बात है, शायद फरवरी की बात है हाँ, तो उसके पहला बच्चा जो है आया, तो वो उसका मिसकैरेज हो गया, जो भी था 2-2.5 महीने का उसका मिसकैरेज हो गया था। तभी से शुरुआत हो गई थी उसकी बीमारी की। तो जैसे ही मिसकैरेज हुआ तो फिर डॉक्टर ने बोला, अब बोलते हैं कि तब तो हमें तो ये समझ नहीं थी, मैं दीदी की शादी में कुल 8 साल की थी तो मुझे ये समझ नहीं थी ये क्या मतलब है। अब हम समझते हैं इन बातों को। तो फिर क्या हुआ कि जब ये हुआ तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। सर्दियों के दिन थे, फरवरी में ठंड खूब थी तब उस टाइम पे, सर्दियों के दिन थे। डॉक्टर ने मना किया था कि इनको मतलब फुल रेस्ट कराना, क्योंकि कहते हैं कि पूरे बच्चे से आधा बच्चा जब वो होता है ना तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, शरीर बेकार हो जाता है। तो मम्मी ने बोला था कि इसको यहीं छोड़ दो भाई, जो केयर मायके में हो सकती है मैं सच बताती हूँ वो ससुराल में नहीं हो सकती, कितना भी आप कर लो। फिर दीदी के सास ससुर दोनों टीचर थे, उनको भी बेचारों को जाना होता था भाई। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको, ननद दीदी की छोटी थी, वो भी छोटी थी उस टाइम पे, वो शायद 8th में पढ़ती थी, तो सास ससुर भी क्या करें, उनको भी जाना होता था। तो मतलब दीदी का परहेज वगैरह नहीं हो पाया, उसको वहाँ से बन गई गठिया की बीमारी। गठिया जो मतलब ये समझ लो कि 18 साल की उम्र में उसको गठिया बन गई, जो गांठों में उसके दर्द रहता था, तो वे बीमारी उसको बन गई वहाँ से। बस अब वहीं से उसकी शुरुआत हो गई। और फिर जब कहते हैं ना कि जब शरीर ही साथ नहीं देता तो कोई भी साथ नहीं देता है, जब नई बहू अगर आते ही बीमार हो जाए तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन होती है, क्या होता है। जब अपना शरीर साथ होता है ना तो सब कोई हमारे साथ रहता है। और एक गलती दीदी ने की जो कि मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं करनी चाहिए, अगर वो गलती वो ना करती तो शायद आज वो जिंदा होती। मतलब अपनों को खुश करने के चक्कर में, अपनों को खुश करने के चक्कर में वो काम करती गई और दवा ले लेके,
दर्द के पेन किलर ले लेके वो काम करती गई, किस लिए कि मैं सबको खुश रखूं। वो उसके नेचर में था कि वो हमें संस्कार ही ऐसे मिले। भाई मैं ये नहीं कहूँगी, मेरी दीदी मुझसे भी ऊपर थी, वो जाती थी कि मैं सबको खुश रखूं। और खुश रखने की बात ये भी थी, सास ससुर टीचर थे उसके, दोनों से चले जाते थे अकेली। दीदी उसका छोटी सी फैमिली थी दीदी की भी, बिल्कुल सेम मेरी तरह, दो भाई एक बहन, यानी दो जीजा जी और देवर और एक ननद, यही मेरे यहाँ भी है। तो यही फैमिली थी। देवर की शादी हुई नहीं थी, देवर की शादी तो बहुत बाद में हुई है, दीदी के 12-14 साल बाद हुई थी उसकी शादी के बाद। तो बस वहीं से उसका शुरुआत हो गई बीमारी की, और पेन किलर ले लेके उसने इतनी सारी बीमारियां उसके अंदर पनप गई, इतनी सारी बीमारियां पनप गई कि वो लास्ट टाइम पे जाके पता चली हैं कि इतनी सारी बीमारियां उसके अंदर। वो इतने हैवी हैवी डोज लिया करती थी ना कि जो मेडिकल वाला भी होता था ना, वो भी एकदम चौंक जाता था कि इतना हैवी आप लोगे, उसको असर होता ही नहीं था हल्की वल्की बीमार टैबलेट से। तो बस अब यहाँ पे जब उसके कई साल हो गए, अब ये समझ लो कि शादी से लेके 24 साल तक वो इसी बीमारी में चलती रही थी। इसी बीमारी में 24 साल तक उसने निकाल दिए। बीमार होती थी लेकिन इस तरीके से नहीं होती थी, ये हम नहीं पता था कि वो चली जाएगी। और 2018 9 फरवरी में उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई थी उससे कुछ दिन पहले वो मम्मी से मिलके गई थी, कुछ दिन पहले ही मम्मी से। ओ इतना मजाक करती थी उस बंदी ने, आज तक ये नहीं जाहिर हुआ कि मैं परेशान हूँ, किसी दूसरे को ये नहीं जाहिर होने देती थी कि मैं बीमार हूँ। खुश हमेशा इतनी खुश रहती थी कि लोगों को ये रहता था कि नहीं ये ठीक है। अगर वो ये दिखाती ना कि मैं बीमार हूँ तो शायद कोई केयर इतना उसकी करता, बट यही है कि केयर इसलिए नहीं हो पाई कि उसने कभी यही नहीं दिखाया कि मैं बीमार हूँ। हमेशा ऐसी रहती थी कि मैं ठीक हूँ, बस यही। अब 5 फरवरी को मैं उसको देखने गई थी, 5 फरवरी नहीं मैं देखने गई थी उसको, शायद 7 में गई थी ना। 5 फरवरी को उसकी तबीयत बिगड़ी रात के 12-1 बजे, मतलब बिगड़ तो उसकी दोपहर से गई थी, 12-1 बजे उसको लेके गए थे हॉस्पिटल। और फिर बस वहाँ पे उसमें जब लेके गए थे तो न पल्स थे न बीपी था, कुछ भी नहीं था। डॉक्टर लोग भी तो पहली बार तो डॉक्टर्स ही नहीं मिले थे और सब ने एडमिट करने से उसको मना कर दिया था क्योंकि उसमें बीपी पल्स कुछ भी नहीं थे, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। बट एक हॉस्पिटल ने उसको लिया, 4 बजे सुबह वो एडमिट हुई और वहाँ उन्होंने हमें धोखे में रखा कि हम ठीक कर देंगे। एक बार उन्होंने बोल दिया कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे, दिल्ली ले जाना है इसको। तो हमने पूरी तैयारी दिल्ली की कर ली थी, पापा ने बोल दिया था कि इसको दिल्ली ले जाओ, तो जीजा जी वगैरह सब तैयार हो गए थे, उनकी बात भी हो गई थी, एम्स में बात हो गई थी, जबकि एम्स में नंबर नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी कोई सोर्स थी तो नंबर बोले आप ले आओ। बट वही था ना कि फिर डॉक्टर एकदम एंड टाइम पे बोलता है, इसीलिए मैं 7 तारीख को उसको देखने गई थी कि एंड टाइम पे बोलता है कि ठीक है हम कवर कर लेंगे। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 9 तारीख की सुबह बिल्कुल 6:30 बजे खबर आती है कि दीदी नहीं रही। समझ नहीं आता कि क्या हुआ था क्या, जब डॉक्टर बोला है कि वो ठीक है हम इसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि आईसीयू में ही थी वो। तो बस यही सब था। तो हम बस यही कहते हैं कि अगर शायद उसने अपनी थोड़ी सी भी केयर कर ली होती ना तो आज वो जिंदा होती, और यही छोड़ के जाती अपने बच्चों को, हम सबको। कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो ये कि छोटी सी उम्र में शादी, फिर ऐसा रोग लग जाना कि उसकी वजह से उसे कई सारी बीमारियां उन्हें घेर लिया था। लास्ट टाइम तो डॉक्टर ने ये कहा था, कुछ 1 महीने पहले लगभग उसने, डॉक्टर ने कहा था कि रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है आपके में, मतलब सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, उसको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो गई थी। क्योंकि एक बीमारी का हम इलाज करते हैं ना तो हमें कई बीमारियाँ और घेर लेती हैं, जो दवाइयाँ जो डॉक्टर लोग हमें देते हैं उनसे एक बीमारी ठीक तो नहीं होती है, अंग्रेजी दवाइयों का यही है, ठीक नहीं होती है, बट और सारे रोग हमें घेर लेते हैं। तो 9 फरवरी जैसे कि मैंने बताया 2018 में दीदी की मौत हो गई थी। मतलब विश्वास नहीं हुआ था कि दीदी चली गई क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कभी कोई, जबकि इतना बीमार रहती थी ना तो कभी दिमाग में ये चीज़ कभी आई नहीं थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि वो छोड़ के हमें चली जाएगी। और मैं सच बता रही हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है ना कि मैं उसे याद नहीं करती। वो एक गाना है ना, वो कौन सा गाना है वो हमेशा याद आता है, एक तो यही चिट्ठी ना कोई संदेश और एक ये वाला गाना है जो कि उसको भी बहुत पसंद था, ये वाला गाना। ओ
ये मैं याद करती हूँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे नहीं मिलते कहीं कदमों के भी निशान। जाने हैं वो, जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खत ना खबरिया। जब जब आए उनकी यादें, होठों पे आए फरियादें, जाके फिर नाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। यही गाना है सच में, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं छोड़ के, कोई खबर नहीं कुछ नहीं, बस यादें ही यादें, यादें ही यादें जो कि कभी दिल से नहीं जाती है। तब तक मैंने आप लोगों से बात की थी, तब तक मेरे पाव भी मतलब बन गए थे, तो आप ये देख रहे होंगे ओवन में कैसे हैं। तो उसमें मैंने बनाए थे एटलीस्ट 10 में, तो नीचे से तो बहुत एकदम हार्ड हो रहे थे वो, और ऊपर से कलर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो मैंने 5 मिनट के लिए ऊपर इसमें ओवन में रख दिया था, जिससे कि ऊपर कलर आ जाए, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये पाव ठीक बन गए, बट ऐसे नहीं बने जैसा कि बताया जाता है। मैं सच बताऊँ आपको, थोड़ा सा मैं मक्खन लगा दूँगी, जिससे बोलते हैं शाइनिंग आ जाती है, वो मैं सारे प्रोसेस कर रही हूँ। मक्खन लगा दिया है यहाँ पे, बट वही वो चीज़ नहीं आ पाती है, मैं पहले बता रही हूँ जो होता है। तो अब इसको मैं थोड़ा गीले कपड़े से ढक के रख दूँगी, जिससे कि सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये जो मैंने बताया था ना, दो मैंने रोटी का जो दो पाव का वो बचा लिया था, तो इन्होंने कहा मेरे लिए रोटी सेक देना नान, तो यहाँ पे मैंने उन दो लोई की रोटी सेक दी थी, क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी आज काली मसूर वाली दाल, तो वो बच रही थी। इन्होंने कहा दो रोटी मेरे लिए उसकी सेक देना, क्योंकि पाव तो इतने अच्छे नहीं बने हैं जो मैं और बनाती। तो बस यहाँ पे देखिए नान बहुत अच्छी बन गई थी पर उससे, क्योंकि नान का आटा भी सेम वही होता है, उसमें भी चीनी और दही से ही लगाया जाता है, तो वो भी सेम प्रोसेस था। तो मैंने कहा चलो रोटी बहुत अच्छी बन गई थी पर। तो चलिए वीडियो का मैं कर देती हूँ एंड, और खाना पीना हो गया था जैसे मैंने आपको बताया था, और पाव बिल्कुल भी मेरे अच्छे नहीं बने थे। मैं आपको सच बताऊँ, ये नहीं कहूँगी कि हाँ अच्छे बने, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। हो सकता है मुझसे भाई कोई कमी रह गई हो, वो लोग दिखाते हैं उससे, पता नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकती, ना मैं अच्छा कहूँगी ना बुरा कहूँगी, बट ये है मुझसे नहीं बन पाए। हो सकता है अगली बार कोशिश करूँ तो अच्छे बन जाए। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। तो बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।